वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ की हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? सूरदास जी का पद। ठीक है, तो पद से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इधर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित पदों की सा संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो पहला क्या है? चरण कमल बंदौ हरिराई, जाके कृपा पंग गिरिलांग है, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरों सुने गूंगी पुनि बोलें, रंग चले सिर छत्र धराई। ठीक है, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहपाई। ठीक है, तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं जो है कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए मैं कहता हूँ कि जा की कृपा पंग गिर लांगे, यानी कि जिसकी कृपा से जो है लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है। ठीक है, लांग सकता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, यानी अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक, बहिरों सुने गूंगी पुन बोलें, बहरा व्यक्ति जो है सुनने लगता है और गूंगा भी बोलने लगता है। ठीक है, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग मतलब वही भिखारी, यानी कि क्या कहते हैं कंगाल, भिखारी भी या कंगाल भी जो है, भिखारी जो है क्या कहते हैं, अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। ठीक है, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहपाई। ठीक है, और अर्थात जो है रंग चले सिर छत्र धराई, यानी रंग भिखारी भी जो है अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है और राजा भिखारी भी यानी राजा बन जाता है। ठीक है, सूरदास करुणामय, बार बार बंदो तिहपाई, अर्थात जो है सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे जो है दयालु प्रभु श्री कृष्ण की मैं बार बार बंदो तिहपाई, यानी मैं बार बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे देखते हैं। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, संकेत लिख लेंगे। संकेत में वही मतलब जो हमारा पद दिया हुआ है उसका पहला दो वर्ड लिख लेते हैं, डाट डाट करके लास्ट का दो वर्ड लिख देंगे। ठीक, फिर हम संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है, फिर हम डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में हमें क्या लिखना रहता है? कुछ नहीं है, जो मतलब इसका व्याख्या कर लेगा वो प्रसंग आसानी से लिख लेगा। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है। ठीक है, तो व्याख्या में क्या लिखेंगे आप? व्याख्या हेडिंग डालेंगे, काली से अंडरलाइन कर देंगे। हेडिंग खूब अच्छे से आपको सजा के लिखना है बढ़िया से। सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों में वह शक्ति है कि लंगड़ा पर्वत को लांग सकता है। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं रहेगा, सॉरी कॉमा रहेगा। अंधा सब कुछ देखने लगता है। ठीक है, यहाँ भी जो है पूर्ण विराम नहीं रहेगा, कॉमा रहेगा। और बहरा मनुष्य भी बोलने लगता है। ठीक है, इनकी कृपा से गूंगा मनुष्य भी बोलने लगता है तथा कंगाल अधर्मी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। ठीक है, भिखारी भी राजा बन जाता है, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, तो अब लास्ट हेडिंग है हमारी काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में हम क्या लिखेंगे? आपको याद होगा कि इनका हम जीवन परिचय लिखवाए हैं पहले, तो उसी में से आपको ये मतलब ये जो पहला लिख देंगे, सगुण भक्त की उपासना, यानी कि किसके ये सगुण भक्त के उपासना करते थे। भाषा इनकी क्या है? ब्रज भाषा। रस कौन सी है इसमें? भक्त रसी करके इसमें आदि लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।